शाहरुख खान की मूवी की सोशल मीडिया पे बहुत हाइप हो रखी है, होनी भी चाहिए, मूवी भी ठीक थी, लेकिन उनकी एक्टिंग को लेकर उनको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। और मैं बोलूँ तो एक्टिंग ठीक था, बट मेरे पास ऐसी तीन मूवीज है रिकमेंडेशन आपके लिए, जिसमें से एक आध मूवी आपने नहीं देखी होगी जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, और आप लोग एक ना एक बार उन मूवीज को देख रखे होंगे। और अगर सारी मूवीज देख रखे हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले नंबर पर है स्वदेश, ये शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। ये मूवी को डायरेक्ट किया आशुतोष गोवारिकर ने और ये मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 की। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मूवी की लगती है कि ये मूवी कूल VFX, एक्शन सीन्स या फॉरेन लोकेशंस के लिए फेमस नहीं है। ये मूवी सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है, वो है प्रॉब्लम्स, ग्राउंड प्रॉब्लम्स जो इंडिया के हैं। ये स्टोरी एक नासा के साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है जो NRI है, जो इंडिया से वहां जाके काम कर रहा है नासा में, लेकिन कैसे वो इंडिया में कुछ काम के चलते आता है, कुछ एक पर्पस के चलते, और जब वो यहाँ के आके प्रॉब्लम्स देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि जिस देश में मैं पला बड़ा हूँ वो देश का हाल अभी भी ऐसा है, और मैं जहाँ पे जाके काम कर रहा हूँ अमेरिका वो इतना डेवलप्ड है, और फिर वो देश में ग्राउंड रूटेड प्रॉब्लम्स जो है उस पर वो काम करता है। ये मूवी हर एक सोशल एस्पेक्ट को टच करती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को टच करती है जो सच में इंडिया में है। इलेक्ट्रिक इशूज बोल सकते हो, पावर कट का जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ चलता है, या फिर कैसे विलेज का डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, कैसे पानी का प्रॉब्लम आता है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को डील करता है ये मूवी। ये मूवी ज़्यादा चली नहीं, यही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरा ऑडियंस से, कि इतनी क्रिएटिव मूवी, इतनी अच्छी मूवी जो एक सोशल मैसेज के साथ आती है उसको लोग देखते नहीं है। बट अभी भी अगर आपके पास टाइम है नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल, एक ना एक बार जरूर चेकआउट करना। दूसरी मूवी है माय नेम इज खान, और इसका डायरेक्टर का नाम जिन लोगों को पता नहीं होगा सुन के थोड़ा शॉक लगेगा, बट करण जौहर डायरेक्ट किया इस मूवी को, और मेरे को भी शॉक लगा जब मेरे को पता चला कि करण जौहर इतनी अच्छी मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं जिसमें इतना अच्छा मैसेज हो और इतनी अच्छी एक्टिंग हो, और शॉट्स भी कुछ कुछ बहुत अच्छे थे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 की, और इस मूवी में शाहरुख खान ने अपना एक्टिंग दिखाया एक्चुअल में। मैं मानता हूँ कि हर एक एक्टर को एक ना एक ऐसी मूवी साइन करना चाहिए, जैसे रणबीर कपूर के लाइफ में आई थी बर्फी मूवी से, ऐसे ही हर एक एक्टर को एक ना एक रोल ऐसा करना चाहिए जिससे वो ये पोर्ट्रे कर सके कि हाँ भाई वो जैसे रोल्स प्ले कर सकता वैसे रोल्स कोई और प्ले नहीं कर सकता। और शाहरुख खान के लाइफ में ये मूवी आई तो वो माय नेम इज खान से आई, ये मूवी में कुछ अलग ही परफॉर्मेंस था उनका। तीसरे नंबर की जो मूवी है उसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा कि मैंने पहली मूवी बताई थी स्वदेश जो एक सोशल मैसेज के लिए था, दूसरा मूवी है माय नेम इज खान जो सिर्फ एक्टिंग बेस्ड था, तो इसके बेसिस पे आप लोग सोच सकते हो कि तीसरी मूवी क्या होने वाली है। VFX वाली सबसे बेस्ट VFX जो मुझे लगी थी उस टाइम में, अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, इसीलिए मैं जीरो को ऐड नहीं कर रहा क्योंकि जीरो की स्टोरी 50-50 थी। मैं फैन की बात कर रहा हूँ, फैन की स्टोरी और कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत नया था, मतलब इंडिया में मैं देखा नहीं, सेल्फी भी आ रहा है वैसा ही, लेकिन सेल्फी से बहुत पहले और बहुत अच्छी मूवी आई थी। लोग नहीं पसंद किए इस मूवी को भी उतना ज़्यादा, लेकिन मेरे को लगता है वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था ये मूवी, और रेड चिलीज का काम बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत ही बेहतरीन काम था। और शाहरुख खान के कुछ कुछ टेक्स इसमें दिखाए गए हैं कि वो कितना ज़्यादा लाइक प्लास्टरिंग वगैरह करवाए थे उस रोल के लिए, क्योंकि उनको फैन का भी रोल प्ले करना था और एट द सेम टाइम वो सुपरस्टार का रोल भी प्ले करना था। और इस मूवी में साफ साफ समझ में आता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक एक्टर को VFX से या फिर थोड़ी बहुत मेकअप से आप चेंज कर सकते हो दोनों के लुक्स को। एक तो शाहरुख खान को शाहरुख खान भी बनना है और एट द सेम टाइम शाहरुख खान को अपना फैन भी बनना है जो बहुत ज्यादा इमेच्योर है, बहुत ज्यादा रफ डिसीजंस लेता है, जिसको नॉलेज नहीं है चीजों का, बट उसको रिवेंज लेना है। मेरे को लगता है आज भी आप ये मूवीज को देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, और गाने हर मूवी के बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।